नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट्स एंड रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए एकलव्य स्टूडियोज को और बेल आइकन बजाना ना भूलें। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकलव्य स्टूडियो। बिग बॉस मराठी के एपिसोड में सुशांत जहां कैप्टन होने की वजह से सेफ है, लाइक उनको कोई भी वोट आउट नहीं कर सकता है, तो घर में एक नॉमिनेशन टास्क चल रहा था और उस टास्क में सुशांत सेफ होने की वजह से संचालक भी बने थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। अब ये तबीयत खराब होने का एक्चुअली रीजन क्या है, क्योंकि जब भी किसी की तबीयत खराब होती है, चाहे वो टेस्ट हो चाहे वो कुछ भी हो, वो घर के अंदर ही की जाती है, लेकिन सुशांत को बाहर भेजा गया है टेस्ट कराने के लिए। ये टेस्ट की असली सच्चाई क्या है, या क्या वो एक्चुअली में बीमार है, या फिर ये फिर से कोई एक प्लान है, क्या फिर से उनको सिखाया जाएगा कैसे गेम खेलना, लाइक बिग बॉस या जो भी, हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम रहते हैं उनके पास कि वो लोग सपोर्ट करते रहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए किसी तरह से टास्क को, उनकी टीम कहीं ना कहीं सेफ होनी चाहिए, रेशम सेफ होनी चाहिए, सुशांत सेफ होने चाहिए, जो कि हमेशा मदद मिलते रहता है इन लोगों को एक तरह से। तो ये क्या है एक्चुअली, ये बीमार है। अब ये तो दिखाया जाएगा घर वालों को कि टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद क्या लगता है कि वो बीमार थे भी या फिर सिर्फ एक नाटक था, या फिर टेस्ट की रिपोर्ट में कौन सी ऐसी बीमारी आती है, तो ये तो देखना होगा हमें। वहीं पे घर वाले काफी ज्यादा अपसेट भी है कि सुशांत कैसे चला गया, सुशांत को क्या हो गया, सुशांत कब आएगा, तो बाहर से देखते हैं वो कब आएगा और क्या क्या बातें बताता है वो घर में आके। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाना ना भूले, और आप अपने व्यू कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सुशांत को क्या ये सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, या फिर एक्चुअली वो बीमार है जैसा कि दिख रहा है, क्योंकि काफी टाइम से वो काफी अच्छा खेलने का ट्राई तो कर रहे थे। लेट्स सी कि वो आगे क्या क्या करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।